वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो दैट यू आर फाइन एंड गुड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुभानहू तआला। माय सेल्फ नजविया गौहर, योर साइंस टीचर। ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डूइंग रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके, हम चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग कर रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग। रीडिंग हम अपनी कंटिन्यू करते हैं, बट रीडिंग कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा पीछे से रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक रीडिंग में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड। ओके, हमने दो मेन सोर्सेज देखे थे फूड के, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल। देन वी हैव सीन अबाउट फूड ग्रुप्स एंड देयर सोर्सेज। फूड ग्रुप्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स देखे थे कल। ठीक है, कितने फूड ग्रुप्स हैं? देयर आर 5 फूड ग्रुप्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी थी हमारी बॉडी के लिए। और हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड नर्वस सिस्टम। यानी कि हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज क्या हैं, यानी कि हम कौन सी फूड लेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। दैट इज़ व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, पोटैटोस, कॉर्न एंड शुगर्स आर मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दैन वी हैव सीन अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग मटीरियल्स ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, बैलेंसिंग वाटर लेवल, मेकिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, दीज आर द वर्क ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन इनफ अमाउंट में मौजूद होगा तो ये सारे फंक्शन प्रॉपरली होंगे। एंड व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन, वी कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, पीनट बटर, नट्स, ड्राई बीन्स, मिल्क एंड पीस। ओके, दीज आर द सोर्सेज, मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम विच यू गेट प्रोटीन फॉर योर बॉडी। दीज आर द फूड विच आर रिच इन प्रोटीन। ओके, नाउ अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फूड ग्रुप, दैट इज़ फैट्स। फैट्स क्या हैं? फैट्स आर ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे गिव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरेटिवली जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब विटामिन ए, डी, ई एंड के। हमारी बॉडी में फैट्स का फंक्शन क्या है? वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की विटामिन एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, ओके, ए, डी, ई एंड के, यानी कि आपकी हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में। कौन से विटामिन? ए, डी, ई एंड के। एंड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, और उसके फंक्शन जो हैं, जो इन विटामिन्स के फंक्शन हैं, उनको हेल्प आउट करता है परफॉर्म करने में। ओके, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ऑयल, बटर, मार्जरीन, घी, मिल्क, मीट। ठीक है, दीज आर द फूड विच फ्रॉम विच यू कैन गेट फैट्स। ओके, फैट्स आपकी बॉडी को कौन सी फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं? ऑयल, बटर, मार्जरीन, घी, मिल्क एंड मीट। ओके, हैव अ लुक, मीट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ अ फैट। मीट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। ठीक है, एक फूड ग्रुप में, यानी कि एक फूड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप मौजूद हैं आपके एक ही फूड में। देखिए, आपकी मीट में आपके फैट भी मौजूद हैं, आपके मीट में आपके प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ओके, फैट्स आर मोर, फैट्स कंटेन मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपके फैट्स में जो एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और फैट्स का मेन वर्क क्या है? ये आपकी बॉडी में विटामिन ए, डी, ई एंड के को एब्जॉर्ब होने में हेल्प आउट करता है। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 27 एंड आवर नेक्स्ट फूड ग्रुप इज विटामिन्स। ओके, विटामिन्स आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट में, यानी कि जिसकी बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है,
आवर बॉडी नीड्स दैम टू वर्क प्रॉपरली. हमारी बॉडी को इसकी क्यों ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन्स की ज़रूरत होती है. और विटामिन्स कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं? स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है. ईच टाइप ऑफ विटामिन्स हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. यानी कि हर टाइप का जो जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिन, हर विटामिन का अपना फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर विटामिन डी मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. विटामिन डी क्या करता है? हमारी बोन्स और टीथ्स को स्ट्रॉन्ग करता है. विटामिन ए इम्प्रूव्स अवर विजन एट नाइट. विटामिन ए क्या करता है? रात के टाइम हमें जो देखने की सलाहियत होती है उसे इंक्रीज करता है. विटामिन सी हेल्प अवर बॉडी टू हील इफ गेट अ कट. विटामिन सी क्या हेल्प करता है? हमारी बॉडी की हेल्प करता है टू हील. अगर हमें कट लग जाए तो उसे ठीक करने में, हील करने में हेल्प आउट करता है. विटामिन बी कीप्स द ब्लड सेल हेल्दी. विटामिन बी क्या करता है? ब्लड सेल को हेल्दी रखता है. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी टिश्यूज. विटामिन ई का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. विटामिन के इज़ गुड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. जबकि विटामिन के क्या है? आपकी ब्लड क्लॉटिंग. देखें, जैसे आपको कट लग जाता है तो आपके कट से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगी? ब्लीडिंग तभी रुकेगी कि जब आपका ब्लड क्लॉट होगा, यानी कि ब्लड जमेगा. ठीक है. अगर ब्लड जमेगा नहीं, क्लॉट नहीं बनाएगा, ठीक है, तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी. सो कौन सा ब्लड विटामिन आपकी हेल्प करता है क्लॉटिंग में? विटामिन के. दीज आर द फंक्शन ऑफ विटामिन्स विच दे परफॉर्म फॉर आवर बॉडी. ओके ओके. नाउ लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन. विटामिन ई ए हमें किस फूड में मिलता है? कैरेट, टमाटो, स्पैनिश, लिवर, फिश, एग, मिल्क. ठीक है. विटामिन बी हमें किससे मिलता है? फिश, पोल्ट्री, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स. विटामिन सी हमें किससे मिलेगा? स्पैनिश, कैबेज, ऑरेंजेस, लेमन्स, स्ट्रॉबेरीज. विटामिन डी हमें किससे मिलेगा? चीज़, एग योक, सीरियल्स. विटामिन ई किससे मिलेगा हमें? वेजिटेबल ऑयल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है. और विटामिन के किससे मिलेगा हमें? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, मीट, एग्स. ठीक है. देखिए, आपकी फिश से आपको विटामिन के भी मिल रहा है, आपकी फिश से आपको विटामिन बी भी मिल रहा है, और विटामिन ए भी मिल रहा है. इसी तरह आपकी जो स्पैनिश है, आपकी पालक है, वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, उससे आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, आपको विटामिन के भी मिल रहा है, आपको विटामिन ए भी मिल रहा है. ठीक है. और आपको विटामिन ए भी मिल रहा है. सो आपके एक फूड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द हेल्दी बैलेंस डाइट. उसकी प्रॉपर अमाउंट सेलेक्ट करनी है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव कवर टू फूड ग्रुप्स, दैट इज़ फैट्स एंड विटामिन्स. ओके. सो डू रीड, आप खुद भी रीड करें. ठीक है. और रीडिंग कीजिएगा, यही आपका होमवर्क है. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर टू एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.